हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ऑर्थो टीवी। आई एम डॉक्टर दीपेश। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि कमर दर्द के बारे में और क्या क्या कारण हो सकते हैं कमर दर्द के। ऐसे ही जो मेरा जो आज का वीडियो है, ये है घुटनों के दर्द के ऊपर। आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में, आजकल आसपास के लोगों में घुटनों में आजकल दर्द जो है बहुत ही कॉमन हो चुका है। हर किसी दूसरे आदमी को घुटनों में दर्द रहता है वो इस दिक्कत से परेशान रहता है। तो कई कारण हो सकते हैं घुटनों में दर्द के, तो उसमें से एक कारण होता है आर्थराइटिस। तो ये आर्थराइटिस क्या होता है हम जानेंगे इस वीडियो में, और मेनली इस वीडियो पर मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस को थोड़ा डिटेल में बताया। उसके अलावा जो दूसरे टाइप के आर्थराइटिस है उनको सिर्फ ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले आर्थराइटिस। तो ये जो आर्थराइटिस है ये मेनली मिलके बना है दो शब्दों से, आर्थो जिसका मतलब होता है जॉइंट, आर्थराइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हिंदी में कहें तो। हिंदी में इसको हम लोग गठिया भी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन आर्थराइटिस के टाइप में से है, आर्थराइटिस के कई टाइप हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो मेनली एक डीजनरेटिव कंडीशन है, जिसको हम इस कारण इसको हम डीजनरेटिव आर्थराइटिस भी कहते हैं। ये एक्सेसिव यूज़ मतलब ज़्यादा जब हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ के कारण जब एक उम्र के बाद जो हमारे घुटने हैं वो पूरे के पूरे डिट्यूरेट हो जाते हैं, तो ये जो घुटने हमारे धीरे धीरे एक तरह से कहें जो अधिक अधिक से अधिक इस्तेमाल के बाद जब घुटने हमारे ख़राब हो जाते हैं तब भी हमें होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नॉर्मल हेल्थी जो हमारा घुटने का जोड़ है, नी जॉइंट है, वो कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ऊपर से एक बोन आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं फीमर। जो नीचे ये है टीबिया, और ये जो देख रहे हैं ये है इनकी कार्टिलेज। ये फीमर की है, ये टीबिया की है। ये एक साइनोवियल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूड भरा हुआ रहता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, साइनोवियल फ्लूड मतलब कि जो हमारे घुटनों के अंदर एक ग्रीस टाइप की चीज़ रहती है, जिसके कारण हमारे घुटने आपस में टकराते नहीं हैं और बिना रगड़े आराम से चलते रहते हैं। तो जब बहुत अधिक इस्तेमाल के कारण, जब हमारी एक 50 के बाद 60 के बाद होता है क्या है कि ये जो कार्टिलेज होती है ये धीरे धीरे घिस जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह, और जब ये घिस जाती है तो ये पूरी डैमेज हो जाती है। तो उसके बाद जो अंदर का जो हड्डी होती है, बोन होता है, वो एक्सपोज हो जाता है, और साथ में जितनी भी आसपास की जो मेनिस्कस हैं वो भी टूटी, देख सकते हैं आप, एड हो चुकी है, और साथ में जो बोन्स पर से जो नए नए बोन्स ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं उसके कारण आ जाते हैं। अब होता क्या है, जब ये पूरे के बोन एक्सपोज हो जाता है तो फिर हम जब चलते हैं तो ये एक्सपोज बोन जो है ये और नीचे का ये है, ये आपस में टकराते हैं, उसके कारण फ्रिक्शन जो है, रगड़ जो है वो हमें महसूस होती है, और हमारे पैरों में, घुटनों में बहुत जोरों के दर्द होता है। और धीरे धीरे करके फिर हमारे घुटने भी जो होते हैं वो धीरे धीरे करके टेढ़े भी पड़ने लगते हैं। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो प्राइमरी कॉजेज जो रहता है वो मेनली यही रहता है कि प्राइमरी कॉज मतलब कि जो अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के कारण जो हमें ओल्ड एज में, जो बुढ़ापे में हम देखते हैं बहुत सारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं घुटने दर्द करते रहते हैं, उनमें मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होता है, एक वो कारण है। दूसरा जो हम रीज़न होता है वो होता है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो रहता है वो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कि जब किसी बीमारी के बाद हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या किसी और कारण के कारण, जैसे कि सपोज़ हमारे घुटने में कभी कोई इंजरी हो, चोट लग गई हो, या पहले कोई इन्फेक्शन रहा हो, या फिर हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी दूसरे डिजीज़ के कारण जब हमें आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो हम उसको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। हम देखते हैं कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं। देखिए बेसिकली उसमें चार स्टेज होती हैं।
आपने देखा होगा कि पहले पहले जब हमें ये दर्द चालू होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और आर्थराइटिस घुटने में दर्द चालू होता है, तो पहले पहले थोड़ा कम होता है, फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ता चले जाता है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि जब इनिशियली जब हमें दर्द हो रहा होता है, बहुत हल्का सा महसूस होता है, वो हमारी होती है स्टेज 1 में। उस समय बहुत ही कम जो कार्टिलेज होती है वो डैमेज हुई होती है, और जो गैप भी जो होता है हमारे घुटनों के बीच में वो भी काफ़ी हद तक मेंटेन होता है, कोई खास गैप जो होता है वो लॉस नहीं होता है। तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तो घुटने की जो कार्टिलेज होती है वो देख सकते हैं धीरे धीरे करके डैमेज होना चालू हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है, और जो भी जो घुटने के बीच में जो स्पेस होता है आप देख सकते हो कितना कम हो गया, और धीरे धीरे करके जो स्पेस है पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, घुटना बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाता है। जब ये पूरा का पूरा चिपक जाता है, उस समय जब हम चलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है घुटनों में, और जिसे आप देख सकते हैं कि एक्सरे में कैसा दिखाई देता है। ये बेसिकली आपके सामने स्टेज 4 का एक्सरे, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो घुटना है आपस में चिपका हुआ है, स्पेस पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, और साथ में ये जो यहाँ पे जो नए नए बोन्स हड्डियाँ बनी दिखाई जाती हैं वो ऑस्टियोफाइट्स हैं। तो ये कुछ स्टेज 4 का जो एक्सरे होता है कुछ इस प्रकार दिखता है। अब देखते हैं कि चलिए अब आपने समझ गया आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, तो अब हम इसका मैनेजमेंट अब क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें रहती हैं जो मैनेजमेंट में रहती हैं, वो रहती हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस। लाइफ स्टाइल जो चेंजेस जैसे कि आपको आपका जो वज़न है वेट लॉस करना होता है, उसका रीज़न ये है कि अधिक वेट होने से जो आपके जोड़ों पे होता है वो प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो अगर यदि आप अपना वेट लॉस करते हैं तो जो नी है उस पर थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है, जिससे आपको दर्द में भी आराम मिलता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जो कार्टिलेज जो रहती है वो जो पूरी की पूरी डैमेज हो गई होती है घुटने की, उसकी जो न्यूट्रिशन जो रहता है ना वो लेने की कैपेसिटी थोड़ी सी इम्प्रूव होती है। जो मसल्स रहते हैं घुटनों के वो भी थोड़े से ज़्यादा जो रहते हैं उनमें स्ट्रेंथनिंग होती है। साथ में फिजियोथेरेपी आपको चलाती रहनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और जितनी भी हाई स्ट्रेस एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस पड़े नहीं पे वो हमें नहीं करना होता है। आप जिससे भी नी पे कम से कम घुटने पे कम से कम जोर पड़े उसके लिए आप डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो वॉकर होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको सहारे आप चल सकते हैं। इसके अलावा दो और चीज़ें रहती हैं, एक होता है इनसोल्स और एक होता है अनलोडर नी ब्रेस। इनसोल्स क्या होते हैं, जूतों के नीचे की तरफ हम ये लगा लेते हैं, इनका काम ये होता है कि घुटनों के ऊपर जो प्रेशर होता है वो थोड़ा कम करते हैं। और ये जो होता है ये होता है ये जो है ये है अनलोडर नी ब्रेसेस। ये ब्रेसेस का काम क्या होता है आप देख सकते हैं, ये पट्टे की तरह एक हमारे ऊपर की तरफ थाई में लग गया है और एक नीचे की तरफ लग गया है। अब ये क्या करता है कि ये जो जॉइंट यहाँ पे दे रखा है, ये जो दोनों तरफ है ये जो प्रेशर होता है ना यहाँ से ट्रांसमिट करता है यहाँ की तरफ, जितना भी प्रेशर यहाँ से होता है ये जॉइंट ले लेता है, तो हमारे नी जॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, और प्रेशर कम होने से हमें दर्द कम होता है और आराम मिलता है। अब इन ये सारे के सारे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वाली चीज़ थी। अब इनसे जब आराम नहीं मिलता तब आते हैं फिर मेडिकल मैनेजमेंट पे। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, हम बहुत तरह तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हुए लेते हैं, और इसके अलावा कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका काम होता है कि जो कार्टिलेज डैमेज हो गई है उसको वापस से रीजनरेट करना। जो साइनोवियल फ्लूड जो है जो काफ़ी हद तक जो ख़त्म हो चुका है उसको वापस से रीजनरेट करना, और साथ ही कई टाइप के हम जो इंजेक्शन लगाते हैं ओल्ड मेडिकेशंस के अलावा, उनका भी मेनली जो काम होता है वही होता है जो कार्टिलेज जो डैमेज हो चुकी है उसको वापस से बनाना। ये सब काम होते हैं मेडिकेशंस के, और जो दर्द जो हो रहा है उसको कम से कम दर्द को कम करना। अब जब हमने मेडिकल मेडिकेशन भी ले ली, अब बिल्कुल जब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब दवाइयों से भी काम नहीं चल रहा है, बिल्कुल आखिरी में जो लास्ट यूजुअली जो हमारा लास्ट ऑप्शन रहता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेजमेंट का, वो रहता है सर्जिकल। सर्जिकल में क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम सर्जरीज करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी सर्जरीज हमें कब करनी है, वो आपके घुटने की स्थिति को देख करके समझ में आता है। अब जैसे कि आपके घुटना जो है एक यंग पेशेंट है, एज जो है वो 60 से कम है, और जो घुटना के सिर्फ जो है एक ही कंपार्टमेंट जो है मिडिल कंपार्टमेंट सिर्फ इन्वॉल्व है, तो उस स्थिति में
क्या करते हैं कि एक सर्जरी होती है उसका नाम होता है HTO, हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी। वो जो आपके सामने फोटोग्राफ दिखा हुआ है ये कुछ इस तरह रहती है, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा उसको उठा करके इतना हिस्सा काट के एक प्लेट लगा देते हैं, जिससे जो पैर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में पूरा टेढ़ा पड़ जाता है वो सीधा हो जाता है और पेशेंट को काफ़ी पेन में रिलीफ होता है और चलने में भी आराम होता है। और जब पेशेंट का घुटना बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है, अब कोई उसके पास स्थिति इन बाकी बची नहीं होती, ग्रेड 4 में जब वो पहुँच चुका होता है, तब जो सर्जरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट, जो कि हम बोलते हैं कि आपने सुना होगा कि घुटनों का बदलवाने का जो ऑपरेशन होता है, ये जोड़ होता है पूरा का पूरा बदल दिया जाता है इस तरह से, और पुराना जोड़ हटा करके नया आर्टिफिशियल जोड़ जो आप देख सकते हैं ये लगा दिया, ये सामने से वही तिरछी तरफ से इस तरह से दिखता है एक्सरे में। तो ये सब था ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कि क्या क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या इसका इलाज है। अब कुछ और टाइप के भी आर्थराइटिस, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में तो नहीं ब्रीफ में बताऊंगा। एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो अभी ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है, ऑटो इम्यून मतलब क्या होता है, हमारे जो शरीर होता है उसकी लड़ने की कोई क्षमता होती है जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, बट अगर यदि यही हमारी जो लड़ने की क्षमता जो बाहर के पार्टिकल्स के लिए होती है, फॉरन पार्टिकल्स के लिए, ये फॉरन पार्टिकल्स की जगह हमारे शरीर के खुद के जो पार्टिकल्स हैं उसकी अगेंस्ट में अगर लड़ने लग जाती है तो उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं सरल भाषा में। तो वही जो हमारे जो जॉइंट होता है नी का, उसमें जो इतनी भी चीज़ें होती हैं उसके अगेंस्ट में जब ये इम्यूनिटी एक्ट करने लग जाती है तो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये घुटने बिल्कुल दर्द के कारण, चलने के कारण डिजेनरेट होकर लाल पड़ चुके हैं, सूज चुके हैं बुरी तरीके से। इसका जो इलाज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, ये मैं आपको बता दूँ लाइफ लॉन्ग चलता है, कुछ भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इसका बेसिकली। तो जो दवाइयाँ चलती हैं पूरी ज़िंदगी भर चलती हैं इसमें, और उनका भी काम यही होता है कि जो कंडीशन है वो उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करके जितनी डिजनरेशन मतलब जितने घुटना ख़राब हो उसको कम से कम शुरुआत में ख़राब हो, और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपका घुटना सही चल सके, इतने ही इनकी दवाइयों का काम होता है, कोई परमानेंट क्योर इसका नहीं है। फिर एक होता है गाउट। गाउट बेसिकली क्या होता है, इस जो गाउट में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो हम खाते हैं प्रोटीन्स वगैरह या और भी किसी चीज़ के कारण यूरिक एसिड जो रहता है वो इकट्ठा होने लगता है। बेसिकली यूरिक एसिड एक हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, जो प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं वो आखिरी में जब डिजनरेट हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो आखिरी में जाकर के यूरिक एसिड बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी से निकल जाता है। अब जो किसी कारणवश अगर यूरिक एसिड हमारी बॉडी में निकल नहीं पा रहा है तो उसका अमाउंट यूरिक एसिड का बढ़ जाएगा, या तो किसी कारण उसका प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है या वो हमारे शरीर से निकल नहीं पा रहा है, दोनों ही कंडीशन में यूरिक एसिड हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगेगा और वो जो जॉइंट रहता है वो वहाँ जा कर के इकट्ठा होने लगता है। ये आपका घुटने का जॉइंट है, और जब वो यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है तो जो हमारी यहाँ की जो कार्टिलेज रहती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो फ्लूड है, इन सब पे इसमें इकट्ठा हुआ है सबको डैमेज कर देता है और ये जॉइंट बुरी तरीके से दर्द करने लगता है, ये जो बोलते हैं गाउट। और मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा जो इसमें गाउट में जो जोड़ इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारे पैर के अंगूठे का। आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में किस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है यूरिक एसिड कलेक्शन के कारण। इसके इलाज के लिए कई सारी दवाई रहती हैं जो जिनका काम यही होता है कि यूरिक एसिड जो इकट्ठा हो रहा है उसको हमारे शरीर से निकालें, और या फिर यदि बहुत अधिक बन रहा है तो उनको बनने से रोकें। इसके बाद होता है सूडोगाउट। सूडोगाउट में क्या होता है कि ये जो चीज़ें हमने बताई थी ऊपर यूरिक एसिड जो था हमारे शरीर में इकट्ठा हो रहा था, उसकी जगह कैल्शियम जो रहता है वो अगर यदि हमारी बॉडी में जोड़ों में जगह 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 इकट्ठा हो जाता है और उसके कारण आर्थराइटिस होता है तो हम उसको सूडो गाउट बोलते हैं, और इसमें जो घुटना हमारे सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व रहता है, जॉइंट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व जॉइंट है। एक होता है सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस में क्या होता है, ये भी एक तरह का आर्थराइटिस ही है, बस अगर यदि जो घुटना है हमारा उसमें किसी भी रीज़न से अगर यदि इन्फेक्शन हो गया है,
और इन्फेक्शन के कारण जो हमारा जोड़ है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। जो मरीज़ रहता है, जो भी जिसको भी होता है, उसको बुखार भी आता है और धीरे धीरे करके ये जोड़ है उसका, उसमें इन्फेक्शन हो गया होता है। इन्फेक्शन के कारण उसको बुखार भी आया होता है और ये पूरा जोड़ है वो ख़राब हो जाता है। और आखिरी स्टेज में पहुँचते पहुँचते ये जो पूरा जोड़ है पूरा का पूरा जगह ख़त्म होकर पूरा का पूरा फ्यूज़ हो जाता है। फ्यूज़ होने के बाद बिल्कुल मुड़ ही नहीं पाता है और उसमें बहुत पेन भी होता है। ये होता है सेप्टिक आर्थराइटिस। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थराइटिस जो अक्सर हम लोग घर में बोलते हैं कि इनको आर्थराइटिस हो गया है, इनको आर्थराइटिस, ये होता क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सरल से सरल भाषा में आर्थराइटिस को समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं ऐसे ही आपको सरल से सरल भाषा में वीडियो बना के आपको जो आपके रोज़ की जो दिक्कतें उनको समझाने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू।